फ्रेंड्स, जब देख रहे हैं जुगल जो है काफ़ी परेशान लग रहा है या पुष्पा को लेके, तो जुगल आखिर में क्या पुष्पा की मदद करने वाला है, क्या कुछ है, ऑडियंस जानना चाहती है। जुगल अब तक थोड़ा रिलक्टेंट था पुष्पा की मदद करने के लिए, क्योंकि वो पूरे मामले की सीरियसनेस को समझता है। पास्ट में वो देख चुका है कि जब उसने ऐसे कारीगरों की मदद करने की कोशिश की थी, तब उन कारीगरों का क्या हश हुआ। तो इसीलिए जुगल जो था वो थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन अब जाके कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे उसने रियलाइज़ किया है कि शायद अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि अब वो मुंबई जाएंगे और पुष्पा की वो 5 पटोड़े बनाने में मदद करेंगे। तो वही सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे जहाँ पे वो मास्टर जी को बोलता है कि मैं मुंबई की टिकट बुक करने आया था और अब मैं मुंबई जाऊँगा और मैं क्यों जाऊँगा, वही बात हो रही है। मतलब कहा जा सकता है कि आने वाले सीरियल में काफ़ी कुछ ट्विस्ट और टर्न ऑडियंस को देखने मिल सकते हैं। बहुत सारे, और बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से कहानी प्रोग्रेस कर रही है, और हमें दिख रहा है नंबर्स से कि सब लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। तो ये जो पूरी बड़ी मुहिम है जिसके साथ पुष्पा जुड़ती है और उसमें जुगल कैसे उसको सपोर्ट करता है, उसी दिशा में चीज़ें अभी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एंड वी रियली होप कि आपको जितना हमको मज़ा आ रहा है ये करने में, आपको भी देखने में आए। ऑफ स्क्रीन की बात करें तो किसके साथ ज़्यादा आपका पैचअप हुआ है, मस्तियाँ किसके साथ ज़्यादा हुई है? नहीं, पैचअप तो क्या, मेरा किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं कि मुझे ऑफ स्क्रीन किसी के साथ पैचअप करना पड़े। बट आई थिंक सब एवरीवन इज फैंटास्टिक, सारे एक्टर्स, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे शूट करने का। मैं अभी अभी शो के साथ जुड़ा हूँ तो मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी शो बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, और उसमें एक नया किरदार जुड़ना जो कि पुष्पा के साथ जुड़ता है, जो कि चेहरा है इस शो का, तो वो एक बहुत ही मज़े की बात है। सो या, इट्स फन, इट्स गुड फन। आप लोग जब पीछे की सारी चीज़ें शूट करते हैं, ऑडियंस को दिखा दें, तो वहाँ पर कैमराडरी दिखती भी है। आई एम श्योर ऑडियंस भी वो देख सकती है, शो में भी दिखता है। जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुष्पा को बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ लोग जुगल के नाम से बुलाते हैं, विच इज़ ग्रेट। मैंने अभी अभी मैं शो के साथ जुड़ा हूँ, तो ये एक काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोग आपको इस किरदार से रिकग्नाइज करते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। रास्ते में भी लोग आके मिल के जाते हैं, कहते हैं, मॉल्स में मिलते हैं कि वो बहुत पसंद कर रहे हैं इस किरदार को। सो आई थिंक विच इज़ ग्रेट। तो जो मेहनत की जा रही है किरदार के पीछे, कहानी के पीछे, शो में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ अपने लेवल पे, वो आई थिंक सही दिशा में जा रही है। दैट्स अमेजिंग। एक कलाकार को इससे, ये वैलिडेशन से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। हेलो, दिस इज अंशुल, अंशुल त्रिवेदी। आई प्ले जुगल पुष्पा इम्पॉसिबल, एंड डू वॉच सिने स्पीक्स फॉर ऑल द गॉसिप एंड ऑल द न्यूज़। थैंक यू।